हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल मोहित्स लाइव। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ हेलो तो हो गया कुछ भी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोहित्स लाइव। और आज मैं आपसे कुछ अलग अलग टॉपिक पे बात करने जाऊंगा। हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल मोहित्स लाइव। मैं आपको बता दूँ खुद के बारे में कि मैं खुद एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और ये ब्लॉग की शुरुआत मैं अब शाम को कर रहा हूँ 4 बजे, क्योंकि सुबह से मैं ऑफिस के काम में यानी नए शो की कास्टिंग में लगा हुआ था। और नया शो आने वाला है हमारा बहुत जल्दी, उसकी कास्टिंग में हम बिजी थे, तो इसी चक्कर से ब्लॉग भी मैं लेट शुरू कर पा रहा हूँ। और कास्टिंग के दौरान मुझे एक नई चीज़ सुनने को, नई चीज़ तो नहीं लेकिन हाँ, ज़्यादातर ये चीज़ मेरे को सुनने को मिलता है कि यार काफ़ी टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, हमारा कुछ होता नहीं है और इतना हम करते हैं, कोई मतलब नहीं है ऑडिशन देने का। ठीक है, तो बस इतना बोलूँगा कि नो डाउट आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी कमी रह जाती होगी। ठीक है, जो आपका कंपटीटर है वो उसको ज़्यादा बखूबी प्रेजेंट कर पाता है बजाय आपके। और छोटी छोटी गलतियाँ क्या होती हैं कि हम आपको जब कैरेक्टर ब्रीफ देते हैं ना, तो मान के चलिए आपको मिडिल क्लास लगना है। मिडिल क्लास लगना है तो उसका मतलब सिंपल है कि आपको मिडिल क्लास ही लगना है। अगर आप सूट पहन के, अगर आप सूट पहन के आओगे ऑडिशन देने के लिए, आप अपने लुक को ही जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। दूसरा, कैरेक्टर की जो स्क्रिप्ट होती है, कैरेक्टर डिमांड जो होती है, उसका ब्रीफ स्क्रिप्ट प्रॉपर दिया जाता है, प्रॉपर ये चीज़ बताई जाती है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कई बार कि कुछ लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार अभी है ना गाइड नहीं आ रही, तो मैंने तो जैसा हो रखा है वैसे बना के देख दिया, आप देख लेना एक बार। मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ आप लोगों को कि ऑडिशन मात्र एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको काम दिला सकती है और आपको काम के बिना घर पर बिठा भी सकती है। ऑडिशन को हल्के में मत लो। आप अपना 100 क्या, आप अपना 200% ऑडिशन में दोगे ना, तब जाके आपको आपका काम मिल पाएगा। ये नहीं कि नहीं मैं ऑडिशन में तो मेरा ऐसे होता है लेकिन मैं ऑन सेट अच्छा काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस बिहाफ पे कोई आपको सेलेक्ट करेगा, रिस्क लेगा कोई? चलो ठीक है, कंपनी को और बाकी चीज़ों को आप साइड में रख दीजिए, आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक, अगर कोई भी शूट आप करने जा रहे हैं उससे पहले अगर एक्टर आपको जस्टिफाई नहीं कर पाया, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो क्या आप उसको काम देंगे? नहीं देंगे ना। तो इन्हीं चीज़ों को समझो, दिक्कत क्या आती है, समझने के बाद भी वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना होता है। ये पर्टिकुलर किसी एक की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास ना कि दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास भी अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी वो सेम गलती करते हैं। नतीजा ये होता है कि उनको काम नहीं मिल पाता और लास्ट में फिर डायरेक्टर को सुनना पड़ता है, कास्टिंग डायरेक्टर को सुनना पड़ता है कि मैं इतने टाइम से काम के लिए कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे काम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, एक कास्टिंग डायरेक्टर की नज़र में एक्टर और अच्छे एक्टर दोनों हमेशा रहते हैं, कभी नहीं भूलता। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर को भूल गया है। कास्टिंग डायरेक्टर कभी एक अच्छे एक्टर की शक्ल नहीं भूलता, उसका नाम नहीं भूलता, याद रखना। इसके अलावा एक्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा मेरे अगले ब्लॉग पे या फिर स्टेप बाय स्टेप। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा और बाकी की अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए, ये तो हुई काम की बात। उसके बाद मैं बता दूं कि आज वैसे तो मेरे कज़िन का बर्थडे है, हर्षित का, और हैप्पी बर्थडे टू यू हर्षित, क्योंकि हर्षित होम टाउन में है और हम लोग जयपुर हैं अभी, तो उसके साथ बैठ नहीं पाएंगे अभी। बैठने का मतलब ये नहीं कि बैठने का मतलब है कि भाई साथ में नहीं है, ठीक है,
दूसरा आज एक बहुत गजब की बात हुई कि अभी मम्मी बोल रही थी कि शाम को समोसे बनेंगे, तो मेरे को लगा कि जरूर भैया का किया लगा ये सब कुछ, क्योंकि जो मेरे बड़े भैया हैं शैलेंद्र, उनको समोसे बेहद पसंद हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा कि आज तो भाई तेरे मन की होने वाली है, तो पता क्या जवाब आया? जवाब मुझे सुनने को मिला, यार मन वाली बात नहीं है, मैंने तो नुकसान होने से बचा है। बोलो क्यों? मैंने पूछा उसे कि कैसे, तो बोलता है कि अरे यार वो धनिया रखा था, वो धनिया खराब हो जाता तो इस चक्कर में उसकी चटनी बनवा दी, और चटनी तो समोसे के साथ ही अच्छी लगती है, तो समझ इसीलिए मैंने समोसे के लिए बोल दिया। वाह, गजब का टैलेंट लाए। तो चलो शुरू करते हैं, अभी तो टाइम है, समोसे बनेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट समोसे पे ही लेकर जाऊंगा। अगर उसके बीच में भी अगर मुझे कुछ सूझा तो मैं जरूर आके टेडिंग टेडिंग कर दूंगा। टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, अदरक, इसी में जीरा, इधर कौन चू? जबे तो बोला ही। अच्छा, मैंने तो समझू मैं रात भर होगा तो मैं वो खा लूँ। चटनी तो तैयार, अब हम खा लेते हैं अमचूर। मैदा, दरअसल बारिश तो होना है, समोसा आज का खोजिए। भैया तो पूछी भी ना समोसा का खोजिए मम्मी आज, तो वो तो क्या करो, क्या करोगे? धनियो खराब है जा, तो जब हमारे चटनी बनती और चटनी बनती तो चटनी तो समोसा के संग अच्छी लगे। ये अजवाइन, पहले अजवाइन की जगह काली मिर्च डाली होती। समोसा मास्टर अभी का जो बोले वो शर्मा वो नहीं यार, संकल्प लियो है।
चलिए समोसे तो मैंने खा लिए, अब टाइम हो गया ब्लॉग में एडिट करके डालूं, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।